आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टैली की क्लास में आपका वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इनवॉइस प्रिंट विथ कंपनी लोगो। नॉर्मल जब हम टैली के प्रीवियस वर्जन पे काम करते थे, जैसे टैली 9 पे, तो वहाँ पे जो है हम सिर्फ इनवॉइस को जनरली प्रिंट कर पाते थे। हमें कंपनी लोगो के लिए अलग से वहाँ देना पड़ता था, या कई बार हम कंपनी लोगो नहीं दे पाते थे। लेकिन टैली के इस लेटेस्ट वर्जन में हम कंपनी लोगो को भी वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम कंपनी लोगो के साथ जो है इनवॉइस को प्रिंट करना। ये काफ़ी आसान है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके लिए हम चलेंगे टैली पे। तो यहाँ पे हमने अपनी कंपनी खोल रखी है, एक्स वाई जेड ट्रेडर्स। अब हम चाहते हैं इसे प्रिंट देना। तो प्रिंट के लिए आप जा सकते हैं डिस्प्ले पे, और डिस्प्ले से हम जाएंगे डे बुक में, और यहाँ से हम करेंगे प्रिंट। तो यहाँ पे हम सेल्स के लिए प्रिंट देंगे कस्टमर बी को। हम इसे एंटर करेंगे और देख लेंगे, ये हमारा सेल्स वाउचर है। प्रिंट के लिए हमें ऑल्ट पी को प्रेस करना है, या फिर आप माउस की सहायता से इसका ऊपर में जाके आप यूज़ कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं। इसको हम क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको वाउचर प्रिंटिंग से रिलेटेड जो है डिलीट डिटेल्स मिल रहे हैं कि आपको क्या क्या यहाँ प्रिंट करने के लिए, जैसे प्रिंटर का नाम है, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ है, प्रिंट लैंग्वेज। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि टैली पे हमारे स्क्रीन पर हमको साइट पे ये दिख रहा है कि प्रिंट से रिलेटेड आप क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस करना चाहते हैं। नो प्रीव्यू, यदि प्रीव्यू नहीं देखना चाहते तो आप इसे क्लिक करिए, और यदि प्रीव्यू के साथ इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो ये विथ प्रीव्यू करिए, और इस तरीके से बाकी के जो है डेटा भी दे रखे हैं। जैसे प्रिंट फॉर्मेट के लिए यदि आप चाहें तो नीट मोड में से दे सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ क्लिक करूँगी और जनरली हम इसे यस करेंगे प्रिंट प्रीव्यू के साथ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आपकी टैली की स्क्रीन पर ये प्रिंट प्रीव्यू नज़र आ रहा है। इसे हम जूम करके देख सकते हैं। इस तरीके से एक्स वाई जेड, कस्टमर बी, इनवॉइस नंबर, डिलीवरी, सप्लायर रेफरेंस, अदर डिटेल्स, जैसा कि हमने वहाँ पहले फिल करके रखा था लेज़र बनाते वक्त, उसमें जो एड्रेस डाले थे उस तरीके से आप देख सकते हो। टोटल अमाउंट ये हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब हमें इसे प्रिंट देना है, तो आपसे यहाँ से बाहर निकलते हुए प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो अभी जो हमने देखा यहाँ पे हमें लोगो की ज़रूरत यदि महसूस हो रही है, यदि आप चाहते हैं कि साथ में इनवॉइस में लोगो भी आए, कंपनी लोगो है, आपके बिज़नेस का लोगो है, आप यदि उसे लेके आना चाहते हैं तो इसके लिए हम अलग से ऑप्शंस को एक्टिवेट करेंगे। चलिए इसे भी देख लेते हैं। हम बाहर निकलते ही हम जाते हैं सबसे पहले F11, और F11 पे हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर में। अकाउंटिंग फीचर में हमारा जो कंपनी लोगो से रिलेटेड फीचर है वो अदर फीचर के अंतर्गत सबसे लास्ट में, सेकेंड लास्ट में आपको यहाँ पर शो होगा इनेबल कंपनी लोगो। इसे हम एक्टिवेट करेंगे, यस। इसके बाद ही आपको एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर, जहाँ पर कंपनी लोगो से संबंधित जानकारी दी गई है। सबसे पहले पूछ रहा है लोकेशन ऑफ लोगो, आपके सिस्टम पर या पीसी पर जो लोगो का लोकेशन है वो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर। उसके साथ साथ हमको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि फॉर्मेट सपोर्टेड आर BMP एंड JPEG। जाहिर सी बात है वो हमारा पिक्चर है, तो पिक्चर वाली जो फाइल्स होता है उसका फॉर्मेट होता है BMP और JPEG, तो ये दोनों ही फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है टैली। दूसरा है रिकमेंडेड साइज इज़ 96 पिक्सल्स इन विथ बाय 80 पिक्सल्स इन हाइट। आपका जो लोगो का साइज़ है वो 96 पिक्सल के विथ में होना चाहिए और 80 पिक्सल्स के हाइट में। इसके बाद आपको से पूछ रहा है कंपनी लोगो इज़ प्रिंटेड ऑन स्पेसिफिक रिपोर्ट्स एंड वाउचर ओनली। ये जो कंपनी लोगो है वो आपके किसी स्पेसिफिक रिपोर्ट्स या फिर सिर्फ वाउचर्स पे ही ये प्रिंट होके आपको नज़र आएगा। तो चलिए देख लेते हैं लोकेशन ऑफ लोगो। तो यहाँ हम ओपन करेंगे
हमारी लोगों वाली जो फाइल है वो किस ड्राइव पे रखी हुई है। तो यहाँ हमने माई कंप्यूटर को ओपन किया जहाँ पर न्यू वॉल्यूम डी पर लोगो नाम से मैंने ये यहाँ पे सेव करके रखा है। आप इसे एक बार पेंट में ओपन करेंगे, क्योंकि यदि मान लीजिए आपका साइज़ जो है अकॉर्डिंग टैली के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप फिर यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने टैली का जो लोगो है वो ट्रेडर एक्स वाई जेड का ट्रेडर्स कंपनी का जो लोगो है तो यहाँ पेंट पे ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप इसे बना सकते हैं, उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई लोगो है लेकिन साइज़ में दिक्कत है तो आप फिर इसे सेव एस पहले कर लीजिए बीएमपी या जेपीजी में, उसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लें। यदि यहाँ पे कुछ अलग से दिया हुआ है विथ या हाइट ज़्यादा है कम है तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने 90 और 86 पे यहाँ दे रखा है, इसके बाद ओके कर देंगे और ये आपका सेव हो जाएगा इस तरीके से। अब हमें इसे लेके आना इसके लोकेशन को, तो इसके लोकेशन के लिए आप प्रॉपर्टीज़ पे चले जाइए और इसके बाद यहाँ डी ड्राइव लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ डी ड्राइव डालने से हमारा लोकेशन को नहीं लेगा। इसके लिए आप यहाँ पे ऊपर जाइए और यहाँ से देख लीजिए इसका जो है पाथ क्या है। डी ड्राइव के लोगो पे लोगो डॉट बी एम पी, क्योंकि फॉर्मेट हमें डालना पड़ेगा डॉट बी एम पी या जे पी जी इस तरीके से। अब हम वापस चलते हैं टैली पे और यहाँ पे हम डाल लेते हैं डी ड्राइव स्लैश लोगो डॉट बी एम पी इस तरीके से। इसके बाद हम इसको एंटर करा देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। अब हम चाहते हैं हमारा जो बिल है वहाँ पर ये शो हो लोगो, तो हम यहाँ पे जाएंगे सेल्स पर और इसके साथ साथ हम करेंगे इसे प्रिंट। प्रिंट के लिए हम इसे यस करेंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कंपनी का लोगो जो है वो दिखाई दे रहा है। इसे हम जूम करके देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपका लोगो आ गया है। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। इसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और ये अपने लोगो के अटैच के साथ आपके इनवॉइस के हार्ड कॉपी पे यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये था हमारा लोगो के साथ ये प्रिंट करना। इस तरीके से आप बाकी के बिल्स पे भी ये इनेबल कर सकते हैं, सेल्स बिल पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।